चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा को लेकर पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि पीके भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दे भाई। आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहाँ से आ रहा है ये धन? कहाँ से आ रहा है? कहाँ है CBI? कहाँ है ED? इधर पीके की जन स्वराज यात्रा पर जदयू अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि पीके की यात्रा जनता दल यू और कांग्रेस के एजेंडे पर हो रही है। प्रशांत किशोर विशुद्ध तौर पर राजनीतिक बिचौलिया है और वे पैसे के एवज में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्रांडिंग और दूसरे तरह के भी काम करते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के स्टेपनी या सेफ्टी वाल्व के तौर पर कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी की जो देश में यात्रा चल रही है उसी के बिहार चैप्टर के एसोसिएट के तौर पर वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं।